राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अपने अटपटे बयान और बीजेपी पर तीखे हमले बोलने को लेकर राहुल गांधी कई बार वायरल हुए हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी पब में पार्टी करने के चलते सुर्खियों में आ गए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो नेपाल के मशहूर पब में पार्टी करते हुए सामने आए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी एक दोस्त के साथ डिम लाइट वाले नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड में गाने भी चल रहे हैं। हालांकि JK247 न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया, जहां बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल गांधी नाइट क्लब में थे, और अब जब उनकी पार्टी टूट रही है तब भी वो नाइट क्लब में ही हैं। वही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि वोकेशन, पार्टी, हॉलिडे, प्लेजर, ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी को हमलावर होता देख कांग्रेस ने वीडियो को लेकर सफाई पेश की, जहां रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी नेपाल में एक दोस्त की शादी में गए हैं। दोस्त और परिवार होना, शादियों में जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। सुरजेवाला इस दौरान बीजेपी को घेरते नजर आए। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि RSS को ये बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस पर। अब वीडियो को लेकर वार पलटवार यही नहीं रुका। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन वो आए दिन पार्टी करते हैं, वैसे भी उन्हें कोई रोकता नहीं। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी बिन बुलाए मेहमान के रूप में नेपाल नहीं गए, जैसे PM मोदी पाकिस्तान गए। पार्टी कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं, वो तो रोज ही पार्टी करते हैं, तो उसमें राहुल गांधी को पार्टी करने से कहाँ रोकता है? कोई संविधान में तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि उनको पार्टी न करने दिया जाए। वो तो पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी कम चलाते। श्री राहुल गांधी हैज नॉट गोन एज ए अनइनवाइटेड गेस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू पाकिस्तान टू सेलिब्रेट बर्थडे एंड कट केक्स फॉर पाकिस्तान PM नवाज शरीफ। बता दें कि राहुल इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं और इस दौरान वो अपने दोस्त की शादी में शामिल हैं। वहीं से उनका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन कांग्रेस नेता के इस निजी दौरे को लेकर जमकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।